मच्छी तो अभी हमारे को बहुत जाम लगी है। बड़े घास घास ऊपर बड़े बड़े दाने उठाए हैं फराज भाई ने। सलाम वालेकुम भाई, बात कुछ ऐसी है, सुबह का 4:30 बज रहा है और गुलबई पे अलफरीद होटल में मौजूद है मेरे साथ इस वक्त हैं औरंगजेब भाई, मानी भाई अंदर हैं, नाश्ता बनवा रहे हैं, होटल बंद है भाई लॉकडाउन की वजह से। नाश्ता हमको भाई होटल वालों ने जो है ये पार्सल करके दे दिया है। हमारा तो बड़ा मूड था कि यहाँ का जो फेवरेट है छोले अंडे पराठे मलाई वगैरह वो खाएंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र क्या करें भाई, मजबूर हैं अब ऐसे ही गुजारा करेंगे, डिस्पोजेबल कप में चाय लेंगे और बाहर बैठ के पियेंगे और मुबारक पहुँच के इंशाल्लाह ट्रिप कंटिन्यू करेंगे भाई। हाँ भाई, क्या सीन है? सीन ये है, चुपचाप निकलना है। अच्छा, अलार्म नहीं करना। भाई सीन ऐसा हो गया है कि इस वक्त हमारे साथ जो हैं ट्रॉलिंग ट्रिप के ऊपर दो ग्रुप के जो हैं मेंबर्स भी हैं एफएनटी के, और वीडियोस के ऊपर काफ़ी सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि भाई हमें भी जाना है फिशिंग पे, हमें भी ट्रिप पे लेके चलें, तो उनके चक्कर में भैया हमने जो है इस दफ़ा जो है सामान को पूरा करने के लिए एक सुजुकी पिकअप बुक कर ली। जो हमारे ग्रुप मेट थे राहिल भाई और गुलाम भाई वो तो आ गए, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर भाई गायब हो गए। ये अजीब सा सीन हो गया है। मुबारक तो पहुंच चुके हैं और किनारे पे भी पहुंच गए, वालों की बोट आ चुकी है। हाँ, ये देखिए चीफ साहब जो हैं वो अभी तक चीफ हैं, आए नहीं है। आज की दो बोट्स हैं, पहले बोट के जो बोट कैप्टन है वो है मिस्टर मुबारक, और दूसरे जो है हमारे जिस बोट पे हम जा रहे हैं उसमें चीफ साहब। लेट हो चुके हैं इससे हमें बोट पे होना चाहिए था। आए आपको मानी भाई का दिखाते हैं, ये लोग जा रहे हैं। सुबह का अभी जो है तकरीबन 9:25 हुए और एक छोटा सा मिसअप हो गया है कि ट्रॉलिंग करते वक्त लूअर में जो है जेलीफिश आ गई थी, जिसकी वजह से तीन लूअर्स हमारे जो हैं वो आपस में टेंगल हो गए। तो नादिर भाई, औरंगज़ेब भाई और हमारे जो आज के बोटमैन हैं कैप्टन चीफ, वो जो है ना लाइन जो है ना अनटेंगल कर रहे हैं। तो होप्स हो कि हमें 15-20 मिनट अभी और लग जाएंगे अगेन ट्रॉलिंग स्टार्ट करने में। अस्सलाम वालेकुम, गन बू की तरफ हम खड़े हुए, डीजल हमने रिफिल कर लिया है, मानी भाई का इंतजार है, खाना उनके पास है, मछली उनको क्या लगी अभी पता नहीं है, मिलेंगे तो मालूम चलेगा, हमें अभी कुछ लगा नहीं है। चीफ भाई हमारा स्टार्ट करें इंजन, हम निकलें शिकार की तरफ और अपने मानी भाई को ढूंढें, क्योंकि रोटी पानी उनके साथ खाना है।
ना मछली आ रही है और ना मानी भाई आ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं बोट पे भूख से जो है ना बड़ा बुरा हाल हो गया, और दोपहर का बज रहा है 2, और हम निम्को खा के और ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक पी के जैसे जैसे गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह ओवर एंड आउट। बिल्कुल ट्रबल ओके, सही हुक हुआ, पक्का सही हुक हुआ। आ रहे वो आ रहे मानी भाई आ रहे यार, हमारी रोटी आ रही है, हमारा पानी आ रहा है। भूख से बहुत बुरा हाल हो चुका है, और अभी तक थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल मानी भाई और किसी का कोई दूर दूर तक पता नहीं था, और हम लोग निम्को खा के पूरे हो चुके थे, लेकिन अभी ये कि दूर से वो जगह मुबारक आता हुआ नज़र आ रहा है, तो लग रहा है कि अब हमारे खाने की उम्मीद बन गई है। तो इंशाल्लाह वो आते हैं तो फिर हम खाना खाते हैं, क्योंकि मच्छी तो अभी हमारे को बहुत जाम लगी है। बड़े बड़े दाने उठाए हैं फराज भाई ने, तो बाकी देखते हैं इन लोगों की क्या रिपोर्ट रही है, ये लोग क्या करके आए हैं, क्या तीर मार के आए हैं, तो वो देखते हैं इनको मिल के। वो फुल केट ब्रेसलेट बना हुआ सही जा रहा है। क्या रिपोर्ट है? कहाँ चले गए? नादर पे आप आ गए हैं अंदर फ्रीजर निकाले अभी एक कजान है, वो भी पता नहीं कब आया, पता भी नहीं चला। अब कुछ भी नहीं आया। आप लोग किधर चले गए थे यार? बड़े जहाज जहाज से ऊपर क्या क्या 11,000 मछली आ जाए तो यहीं से बस यहीं से करंट लगाना मछली को। ये ले भाई, मेरा कौन सा चूल्हा कहाँ लाया आपने? मुझे कहाँ बोला था चूल्हा लाने को? इधर नहीं मोबाइल की बटन। औरंगजेब भाई का फोन बज रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, सारे मजे तो आप लोगों ने ले लिए, हमारी दुआएं काम आ गई और अल्लाह ताला ने हमें मानी भाई से मिला दिया, और हमको हमारा दोपहर का लंच मिल गया भाई। सुभान अल्लाह यार, मैं बड़ा इस वक्त जो है ना खुश हो रहा हूँ।
आप हमारे घर आए, इंशाल्लाह आते रहिएगा। रस्सी खोल भाई, आ जाए रस्सी खोल दे। मूवी बन रही है तो मीठा होना ही चाहिए, और उसके लिए पान। वाह माशाल्लाह, शुक्रिया फराज भाई। वाह भाई जबरदस्त। हाँ हाँ मजा आ गया। आप भी खाएंगे? कैसा पान फराज भाई को बताएंगे पान? किन तलाल भाई को बहुत ज्यादा मिस किया। तो फराज भाई आपका ट्रिप कैसा रहा, या आप कुछ रोशनी डालें? ट्रिप मज़ेदार रहा, और 2 बजे के बाद जो है थोड़ी सी हवा निकल आई थी उसको फेस किया, थोड़ा सा पानी में सोयल बढ़ गए थे, बोट छोटी थी, लेकिन ये कि ओवरऑल मज़ा आया। आज तकरीबन 2 महीने बाद मैं पानी में गया था, मेरे लिए तो एक अच्छा दिन रहा। सही बात, समंदर भी देखा, हवा भी देखी, अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मछली से भी नवाज दिया, और क्या चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बड़ी मुश्किलों से ऊपर आया है। हाँ आए हम, टूना का सुन के थे कि यार कल जो है टूना लगे अच्छे 15-18 kg के, तो हमने तो यहाँ का सारे रीजन देख लिए, काफ़ी ट्रॉलिंग की उस लाइनों के ऊपर, लेकिन हमें तो टूना नहीं मिला। बस ये कि ओवरऑल विटामिन सी मिल गया। हाँ सबसे है? बड़ी बात, सबसे असल जो है वो जो एक होता है ना, वो सड़क पूरी हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं, जिंदाबाद FNT जिंदाबाद, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।